फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम 6 नई साउथ इंडियन मूवी की बात करने वाले जो हिंदी डब में ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल हो चुकी है, और साथ ही में 3 ऐसी साउथ इंडियन मूवी के बारे में जानेंगे जो अपकमिंग साउथ इंडियन मूवी है जिसकी रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है कि मूवी कब हिंदी डब में टेलीविजन पर और यूट्यूब पर प्रीमियर होने वाली है। तो पहले जानते हैं कि वो 6 नई साउथ इंडियन मूवी कौन सी है जो हिंदी डब में ऑफिशियली अभी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस लिस्ट में पहली मूवी आती है रथम। रथम 2018 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि रथम से नाम से रिलीज किया गया था। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया था चंद्रशेखर कन्नूरी ने। मूवी के लीड रोल में थे गीता नन और चांदनी भगवानी। मूवी का म्यूजिक दिया था सुकुमार पम्मी ने, और रथम मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 26 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए एडवाइस मीडिया डिजिटल ने, और उन्होंने इस मूवी की हिंदी डबिंग पूरी तरह कंप्लीट कर दी। और अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि एडवाइस मीडिया एक्शन मूवी प्लेक्स के चैनल पे हिंदी डब में ये मूवी रथम के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में दूसरी मूवी आती है बोम्माना ब्रदर्स चंदना सिस्टर। बोम्माना ब्रदर्स चंदना सिस्टर 2008 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया डेरिंग बाज लुटेरे। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है श्रीनिवास रेड्डी ने। मूवी के लीड रोल में थे अल्लारी नरेश, कृष्णा भगवान, फरजाना, और सपोर्टिंग कास्ट में थे चारुलता, कोटा श्रीनिवास राव, रघु बाबू, सुमन शेट्टी। मूवी का म्यूजिक दिया था M.M. श्रीलखा ने। डेरिंग बाज लुटेरे यानी कि बोम्माना ब्रदर्स चंदना सिस्टर मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 18 अप्रैल 2008 को रिलीज किया गया था जिसको IMDb में 6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए थे गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे यानी कि गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डेरिंग बाज लुटेरे के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में तीसरी मूवी आती है फाइटर वीरा। फाइटर वीरा 2018 की तमिल फिल्म वीरा का हिंदी डब वर्जन है। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था राजा रमन ने। मूवी के लीड रोल में थे कृष्णा और ईश्वर्या मेनन। सपोर्टिंग कास्ट में थे करुणा करण, राधा रवि, राजेंद्र, योगी बाबू, आदू कलाम नरेन और RNR मनोहर। मूवी का म्यूजिक दिया था लियोन जेम्स ने, और फाइटर वीरा यानी कि वीरा मूवी को तमिल लैंग्वेज में 16 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था जिसको IMDb में 5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए थे वाम इंडिया नेटवर्क ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाइड एंगल मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाम इंडिया मूवीज पे हिंदी डब में फाइटर वीरा के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि चौथी मूवी आती मीरा जकीरथाई। मीरा जकीरथाई 2016 की तमिल फिल्म है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया बंटवारा। ये एक हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था RG केसवान ने। मूवी के लीड रोल में थे बॉबी सिम्हा, सुरेंद्र और मोनिका। सपोर्टिंग कास्ट में थे स्वामीनाथन, श्रीप्रिया, संतोष, जॉय, संजय और रामलिंगम। मूवी का म्यूजिक दिया था राज ने, और बंटवारा मूवी यानी कि मेरा जकीरथाई मूवी को तमिल लैंग्वेज में 27 मई 2016 को रिलीज किया गया था जिसको IMDb में 1.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को हाईली नेगेटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई थी। जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए पेन नेटवर्क्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बंटवारा के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि पांचवी मूवी आती है नन्नुन दोचुकुन दुआते। नन्नुन दोचुकुन दुआते 2018 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है प्यार की जीत। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था RS नायडू ने। मूवी के लीड रोल में थे सुधीर बाबू और नाभा नातेश। सपोर्टिंग कास्ट में थे नजर, राजशेखर, विवा हर्षा और जीवा। इस मूवी का म्यूजिक दिया था B.Adnish लोकनाथ ने। प्यार की जीत यानी कि नन्नुन दोचुकुन दुआते मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 20 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसको IMDb में 7.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी।
जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि श्री इंटरनेशनल मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्यार की जीत के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल यूट्यूब पे अवेलेबल लिस्ट में आखिरी मूवी आती है कत्थी। कत्थी 2014 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया खाकी और खिलाड़ी। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया एआर मुर्गोडॉस ने। मूवी के लीड रोल में थे विजय और समंता रुद प्रभु। सपोर्टिंग कास्ट में थे नील नितिन मुकेश टोटा रॉय चौधरी और सतीश। मूवी का म्यूजिक दिया था अनिरुद्ध रविचंद्र ने और खाकी और खिलाड़ी यानी कि कत्थी मूवी को तमिल लैंग्वेज में 22 अक्टूबर 2014 को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे 130 करोड़ तक का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जिसको आईएमडीबी में 8 की रेटिंग मिली थी 10 में से। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन की तो ये मूवी अभी ऑफिशियली पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे खाकी और खिलाड़ी के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं 3 अपकमिंग ऐसी साउथ इंडियन मूवी की जिसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। ये मूवी कब हिंदी डब में यूट्यूब पे और टेलीविजन पे प्रीमियर होने वाली है। इस लिस्ट में पहली मूवी आती है पुरियथापुथिर। पुरियथापुथिर 2017 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया कत्ल का राज। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है रजनीश जॉय कोडी ने। मूवी के लीड रोल में थे विजय सेतुपति और गायत्री। सपोर्टिंग कास्ट में थे महिमा नेम्बियर अर्जुन अर्नन रामेश तिलक और रंजीत। मूवी का म्यूजिक दिया था सेम सीएस ने। कत्ल का राज यानी कि पुरियथापुथिर मूवी को तमिल लैंग्वेज में 1 सितंबर 2017 को रिलीज किया गया था जिसको आईएमडीबी में 6.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे मूवी हिट साबित हुई थी जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट हो चुके हैं और हिंदी डबिंग भी पूरी तरह कंप्लीट कर दी गई है। पर किस बैनर ने इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलता है तो ये न्यूज हम आपको दे देंगे। पर इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर कंफर्म हो चुका है जो आज यानी कि 11 मई के दिन रात को 11:30 बजे के टाइम पे मूवीज ओके के चैनल पे होने वाला है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 11 मई के दिन रात को 11:30 बजे के टाइम पे मूवीज ओके के चैनल पे कत्ल का राज के नाम से इस मूवी के हिंदी डब में प्रीमियर होने वाला है। इस लिस्ट में दूसरी मूवी आती है नेला टिकट। नेला टिकट 2018 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि नेला टिकट के नाम से रिलीज किया जा रहा है। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है कल्याण कृष्णा कुरुसाला ने। मूवी के लीड रोल में थे रवि तेजा और मालविका शर्मा। सपोर्टिंग कास्ट में थे जगपति बाबू संपत राज शरद बाबू ब्रह्मानंदम अली और प्रोसानी कृष्णा मुरली। मूवी का म्यूजिक दिया था शक्तिकांत कार्तिक ने। नेला टिकट मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 25 मई 2018 को रिलीज किया गया था जिसको आईएमडीबी में 5.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे जिसकी वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स ने। तो इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब टीजर ट्रेलर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नेला टिकट के नाम से देखने को मिल जाएंगे। तो बात करें इस मूवी के टेलीविजन प्रीमियर की तो सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल पे 18 मई के दिन शनिवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे इस मूवी का नेला टिकट के नाम से हिंदी डब में टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल पे 18 मई के दिन शनिवार के दिन रात को 8 बजे के टाइम पे इस मूवी का हिंदी डब में नेला टिकट के नाम से टेलीविजन में प्रीमियर होने वाला है। टेलीविजन प्रीमियर के बाद कुछ ही समय बाद 18 मई के दिन रात को 11 बजे के आसपास गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर होने वाला है। इस लिस्ट में आखिरी यानी कि तीसरे नंबर पे आने वाली मूवी है पेट्टा। पेट्टा 2019 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि पेट्टा के नाम से रिलीज किया गया था। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है कार्तिक सुबाराज ने। मूवी के लीड रोल में थे रजनीकांत विजय सेतुपति सिमरन त्रिशा कृष्णन एम शशि कुमार नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉबी सिम्हा सनंत रेड्डी मेघा आकाश और मालविका मोहनन। पेट्टा मूवी का म्यूजिक दिया था अनिरुद्ध रविचंद्र ने और इस मूवी को तमिल लैंग्वेज के साथ साथ डब लैंग्वेज में 10 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था जिसको आईएमडीबी में 7.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे 250 करोड़ तक का कलेक्शन किया था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जिसके हिंदी डब वर्जन राइट्स और डिस्ट्रीब्यूट किया था ओरिजिनल प्रोड्यूसर सन नेटवर्क ने। बात करें इस मूवी के टेलीविजन प्रीमियर की तो ये मूवी 18 मई के दिन शनिवार के दिन रात को 7 बजे के टाइम पे कलर सिनेप्लेक्स पे इसका पेट्टा के नाम से हिंदी डब में टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 18 मई के दिन शनिवार के दिन रात को 7 बजे के टाइम पे कलर सिनेप्लेक्स के चैनल पे पेट्टा के नाम से इस मूवी का टेलीविजन पे प्रीमियर होने वाला है।
तो बस आज की वीडियो में यही ऐसी 9 मूवी थी, जिसमें से 6 मूवी अभी ऑफिशियली यूट्यूब पे हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी है, और बाकी की 3 ऐसी साउथ इंडियन मूवी है जिसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और वो हमने वीडियो में दे दी है। तो बस ऐसी साउथ इंडियन मूवीज़ की अपडेट के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज़ की न्यूज़ के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज़ के टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर के रिगार्डिंग कन्फर्म और ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।